बिलासपुर पुलिस ने ड्रंकन ड्राइव करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला में ड्रंक ड्राइव के लगभग पिछले 9 महीने में 2500 के करीब चलान किए गए हैं और 982 ड्राइविंग लाइसेंसों को संबंधित कार्यालय को कैंसिल करने के लिए भेजा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस दिन रात चेकिंग करती है ताकि जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनसे सख्ती से भी निपटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ड्रंकन ड्राइविंग के लगभग पिछले 9 महीने में 2500 के करीब चलान किए हैं और 982 ड्राइविंग लाइसेंसों को संबंधित कार्यालय को कैंसिल करने के लिए भेजा है। उन्होंने बताया कि न्यायालय से भी गुजारिश की गई है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के जो केस हैं उनमें कैद की सजा का प्रावधान किया जाए ताकि जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें जुर्माने के साथ साथ सजा के रूप में कैद हो सके। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने लोगों से अपील भी की है कि वे शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, साथ ही जुर्माना भी किया जाएगा। पुलिस ने जो ड्रंकन ड्राइविंग है उसके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम न केवल लोगों के चलान ही कर रहे हैं बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, सस्पेंशन के लिए और कैंसिलेशन के लिए रेस्पेक्टिव आरएलएस को भेज रहे हैं। अब पहले 9 महीने में अभी तक हम लोगों ने लगभग 2500 चलान किए हैं जिसमें न केवल ड्रंकन ड्राइविंग बल्कि ओवर स्पीडिंग के चलान भी शामिल है और उसमें से 982 लोगों के लाइसेंस हैं हमने रेस्पेक्टिव आरएलएस को सस्पेंशन के लिए भेजे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस बहुत ही जल्दी इनको जो ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस हैं उनके केसेस में अरेस्ट भी करेगी और हमने कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है कि न केवल ड्रंकन ड्राइविंग में उनका चलान करें बल्कि क्योंकि लॉ में प्रोविजन है कि जो लोग गाड़ी शराब पी के चलाते हैं उनको कैद की सजा भी दी जा सकती है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि गाड़ी भी चलाएं लेकिन शराब पीकर नहीं चलाएं क्योंकि अगर ऐसा करते पाए गए तो न केवल जुर्माना होगा बल्कि कैद की सजा भी हो सकती है।